जिंदगी लाइफ की पूरी टीम आज रक्तदान कर रही है। खून की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है, किसी हादसे में, किसी बीमारी में। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए हर 15 दिन में खून बदलने की जरूरत पड़ती है, जिनके शरीर में मौजूद खून की एक एक बूंद को बदला जाता है, जिनके शरीर में खून बनता ही नहीं है। पूरी जिंदगी की ये जंग यूं ही चलती रहती है। शरीर के साथ साथ जिंदगी की आस भी कमजोर पड़ती जाती है और इनकी जिंदगी ज्यादा लंबी भी नहीं होती। ये लोग एक ऐसी जानलेवा बीमारी का शिकार हैं जिसका इलाज लगभग नामुमकिन है, थैलेसीमिया। और ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। कौन जाने आप, मैं, हम में से कौन इसका शिकार है, कौन जाने किस घर में अगला बच्चा थैलेसीमिया के साथ पैदा होने वाला है। क्योंकि हमारे देश में हर साल लगभग 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं और हजारों लोग इसकी वजह से मारे जाते हैं। थैलेसीमिया की वजह से शरीर में खून नहीं बनता, इसलिए शरीर को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत होती है। ये एक अनुवांशिक रोग है जो माता पिता से होते हुए बच्चों के शरीर में जाता है। थैलेसीमिया दो तरह का होता है, मेजर और माइनर। अगर माता पिता में से किसी एक का हेमोग्लोबिन बनाने वाला जीन डिफेक्टिव हो तो बच्चा थैलेसीमिक माइनर या कैरियर हो सकता है। लेकिन माता पिता दोनों के ही जीन डिफेक्टिव हो तो बच्चों के थैलेसीमिक मेजर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे इनके शरीर में खून बनता ही नहीं। ये ख्याल भी रूह को कपा देने के लिए काफी है कि कहीं हमारे घर परिवार में जन्म लेने वाले अगले बच्चे को थैलेसीमिया ना हो। क्या आप नहीं चाहते इस बीमारी से लड़ना? अगर हाँ, तो थैलेसीमिया से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे जिंदगी लाइव में। साथ ही मिलेंगे उन लोगों से जिनके लिए थैलेसीमिया सबसे बड़ा अभिशाप है और देखेंगे किस तरह ये लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, हर दिन हर पल। कैसे जिंदगी हर कदम पर मौत की आहट लेकर आती है इन लोगों के लिए, कैसे इनकी जिंदगी निर्भर है आपके और हमारे खून पर, कैसे आप और हम बचा सकते हैं आने वाली पीढ़ी को थैलेसीमिया से। दो बहनें, दोनों थैलेसीमिया की मरीज, दोनों को एक सी तकलीफ, जिंदा रहने की एक सी जद्दोजहद, मौत से एक सी लड़ाई, फर्क बस एक। 27 साल की पायल इस लड़ाई में हार गई और 2010 में चल बसी। संगीता ने अपनी छोटी बहन को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा और बहन की मौत के रूप में शायद अपनी मौत को भी। आज संगीता की उम्र 32 साल की है, वो जानती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन मन में एक कसक है कि काश बची हुई जिंदगी के लिए जीवन साथी होता जो आखिरी दिनों में उनका साथ देता, उनका हाथ थामता, उनका सहारा बनता। संगीता, डर लगता है? नहीं, हमें बचपन से प्रिपेयर किया गया है सोसाइटी से के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा कि हाँ, इसको थैलेसीमिया मेजर है, उसकी जिंदगी बहुत कम है, कुछ ही साल तक जिएगी। तो हम वी आर लाइक स्टोन हार्टेड, हम पहले से ही प्रिपेयर है, तो डर किसका। सो मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। बचपन में कई अलग तरह की मुश्किलें थी? हाँ, काफ़ी थी, बिकॉज अभी तो काफ़ी सोसाइटी ने तरक्की कर ली है, बट मेरे टाइम पे इतना कुछ अवेलेबल नहीं था। सो काफ़ी कुछ दिक्कतें आती थी, जैसे ब्लड लेने के लिए डोनर्स को ढूंढना पड़ता था। फिर सोसाइटी में जैसे किसी को पता चला कि इसको थैलेसीमिया मेजर है तो समटाइम्स किसी पेरेंट्स ने कहा कि अरे इसके साथ मत खेलो। और फिर समटाइम्स जब मैं किचन में काम करती थी तो कहते थे अरे बिचारी को बिठा दो, थक जाएगी ये बिचारी। तो वो लाइक वो बिचारी शब्द जो होता है वो कानों में और दिल में इतनी बुरी तरह चुभता है। और तब आप डिफरेंस देखते हो कि यार, मतलब हमारे कजिन्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी हमें दूसरों से कंपेयर कर रही है, और जब कंपेरिजन आता है तो हम वहीं हार जाते हैं। फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स फील होती हैं बचपन से अगर मैं बात करूं? बचपन से जैसे कि जब हीमोग्लोबिन लो हो जाता है तो आपको ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम लगने लगती है, ब्रेथलेसनेस लगता है, थकावट लगती है। फिर समटाइम्स कैल्शियम डिफिशेंसीज के कारण आपके जॉइंट्स दुखते हैं। फिर कुछ आप चिलेटर्स ले रहे हो, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर सडनली आप ट्रांसफ्यूशंस ले रहे हो, आपको सडनली रिएक्शन आ जाएगा, आपके बैकएक होने लगेगा या WBC काउंट्स कभी बढ़ जाएंगे, कभी घट जाएंगे। मतलब आप पता नहीं कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और वो तब पता नहीं होता कि यार मैं घर दोबारा जा पाऊंगी कि नहीं।
उधर देखिए संगीता, तेरे को देख के तो ऐसे लगता है कि मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत जीने की राह मिल रही है और मैं खुद बीमार होके भी अपनी बीमारी को देखती हूं, परंतु तुम मेरी बीमारी को देखते हुए भी सोचती है कि सब खुश रहें, मैं सब कुछ सिखा पाऊं, अपनी बीमारी की कभी परवाह नहीं करती है। आगे भी ऐसे ही तू खुश रह, हंसती रह, सबके साथ मिलती रह। सडन डेथ कैन कम टू एनीबडी, हम सब जानते हैं हम एक दिन नहीं रहेंगे, बट अगर कुछ बता दिया जाए कि इतने वक्त के बाद तुम जा रहे हो तो, और एक बच्चे को इस फैक्ट के साथ ही जीना है, शायद हम लोग हमें से कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे वो बच्चा बड़ा होता होगा, क्या सोच कर बड़ा होता होगा। एक्चुअली मेरी जीने की प्रेरणा मेरी सिस्टर थी, क्योंकि जब मुझे 5 साल के बाद डिटेक्ट हुआ था कि मैं थैलेसेमिक मेजर हूँ और मेरी सिस्टर मुझसे 5 साल छोटी थी, तो जब उसको भी डिटेक्ट हुआ कि वो थैलेसीमिया मेजर है तो वो बहुत सेंसिटिव थी, तो हम दोनों हॉस्पिटल साथ में जाते थे, जब प्रिक लगता था तो दोनों रोते थे और हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स रोते थे। तो मैंने मतलब उस दिन से बहुत सोचा कि अगर मैं स्ट्रांग बनूंगी तो वो ज़िंदगी लड़ पाएगी। जब आपके माता पिता को पता चला कि आप थैलेसीमिक मेजर हो, हाँ जी, उस वक्त तक पायल का जन्म हो चुका था? नहीं, बिकॉज हम लोग को यही नहीं पता था कि हमारी पूरी फैमिली में पहला केस मैं थी, हमें नॉलेज भी नहीं था कि जो सेकेंड चाइल्ड होगा मेरे बाद तो उसको भी थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो बिकॉज मैम इंटरमीडिएट थी और मम्मा मेरे को 5 साल के बाद डिटेक्ट हुआ और वो एग्जैक्टली फाइव एंड हाफ ईयर्स मुझसे छोटी थी, तो वो हम रोक नहीं पाए। आज हमारे साथ थैलेसीमिक्स इंडिया की सेक्रेटरी शोभा तुली भी हैं। शोभा जी, कितनी चांसेस होती हैं अगर माता पिता थैलेसीमिक माइनर हैं तो दोनों बच्चे थैलेसीमिक मेजर होंगे या एक मेजर होगा एक नॉर्मल हो सकता है? हर एक प्रेगनेंसी में 25% रिस्क होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर होगा, 25% रिस्क होगा कि वो नॉर्मल, एंड 50% कैरियर्स जिनको हम माइनर्स कहते हैं। सो हमारा कंसर्न वही होता है जब दो माइनर्स या कैरियर्स की शादी हो जाती है और फिर थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होने का रिस्क होता है। संगीता, बुरा लगता होगा कई बार कि माता पिता से कभी सहारा लेना पड़ता है, अगर यू नो एज एन इंडिपेंडेंट वुमन डू यू फील बैड? जब भी मुझे ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ता है ब्लड चढ़ाने के लिए तो पेरेंट्स को लेके जाना वहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि रिएक्शन आ सकता है, ऐसे चांसेस होते हैं। सो मुझे लगता है कि मतलब 2 आवर्स की जर्नी के लिए मैं जहाँ जाती हूँ ट्रांसफ्यूजन लेने, तो उनको वो सारा दिन वहाँ बैठना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है कि इतना लड़के इतना सब कुछ हासिल करके दुनिया के आगे आप प्रेरणा बने हो, लेकिन फाइनली आप डिपेंडेंट हो। मुझे आज भी अपने पेरेंट्स को वो तकलीफ देनी पड़ रही है, या जब भी मैं बीमार होती हूँ तो वो भागते हैं दौड़ते हैं, ये टेस्ट करवाना है, इस डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस ऑल दिस थिंग्स। यू मिस हैविंग अ कंपेनियन इन लाइफ? समटाइम्स। पहले ऐसे होता था कि व्हेन हम लोग स्कूल डेज में थे तो सब ईयरली मंथली पिकनिक्स पे जाया करते थे, अब सबकी शादी हो गई, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है तो हम साथ में नहीं बैठ पाते हैं, बिकॉज उनको अपनी वाइफ्स को टाइम देना होता है, बच्चों को फैमिली को ध्यान देना होता है, तो वहाँ पे जब मैं खड़ी रहती हूँ तो मैं समझती हूँ कि हाँ वो मेरा ग्रुप था, बट नाउ आई एम अलोन। अब रोजमर्रा की जिंदगी में कोई तकलीफ महसूस होती है आने जाने में, कम्यूटिंग में, कुछ भी काम नहीं? एक्चुअली जैसे अगर आपको डॉक्टर एज अ प्रोटोकॉल बोलते हैं कि अगर आपका हीमोग्लोबिन इतना मेंटेन होना चाहिए या आपके नॉर्मल चिलेटर्स आयरन फेरेटन लेवल्स इतने होने चाहिए, अगर आप उतना सब अच्छे से नॉर्मली मेंटेन कर लेते हो चीज़ें, तो मेरे ख्याल से कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। व्हाट नेक्स्ट नाउ?
जब तक जिंदगी है, मतलब मेरी सिस्टर के जाने के बाद मैंने उसकी मेमोरी में एक ग्रुप बनाया है, YTA, यूथ थैलेसेमिक अलायंस, और प्रोफेशनली आई एम वर्किंग इन NGO, मतलब अश्वरवाणी मेमोरियल फाउंडेशन, तो वहाँ की मैं PR हूँ. तो मैं वहाँ पे जितने भी मेरे पास थैलेसेमिक पेशेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मेडिकली हेल्प कर पाऊँ. बस आगे यही है, जब तक जिंदगी है हंसते रहो, हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो. अमेजिंग संगीता, थैंक यू सो मच कि आप शो पर आई, एंड मैं भी अब जब लो फील करूंगी तो आपको याद करूंगी. ठीक है. पायल की मौत के बाद संगीता ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है. थैलेसीमिया के मरीजों को खुद की हिम्मत और दूसरों के सहारे की बहुत ज़रूरत होती है. बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की परेशानी सहना, जीने के लिए दवाइयों पर निर्भर रहना आसान नहीं होता. आप और हम उनके दर्द को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो बहुत आसान है. हम रक्तदान कर सकते हैं ताकि किसी को खून की कमी की वजह से जान ना गंवानी पड़े. यकीन कीजिए, रक्तदान से आपको कोई नुकसान नहीं होगा. मोड़ ले लेती है बहुत बुरी तरीके से. आप कितने भी स्ट्रांग हो, कुछ भी फेस कर सकते हो. लाइफ को पूरी तरीके से नहीं कर सकते आप फेस.